सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रैगर्स की। जो ट्रैगर्स है हमारा, ये हम राइट ईयर पे दिखा रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको याददाश्त रहे। बिल्कुल, ये भी जैसे बताया था, ये हमारा ट्रैगर्स है। इसके ऊपर हमने एक लाइन खींचनी है, फिर इसको हमने ट्रायंगुलर बना लेना है। और ये वाला जो आगे का पॉइंट है, ये वाला सबसे ऊंचा है, ऊपर उभरा हुआ है। उभरा हुआ हमारा क्या होता है? नाक। नाक हमारा उभरा हुआ हिस्सा है। तो ये हमारा है एक्सटर्नल नोज। ओके, अब ये जो हमारा हेलिक्स क्रस्ट जहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से और सेंटर से हमने एक लाइन और खींचनी है, ऐसे बीच में। इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट आएगा। एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक इसके बिल्कुल नीचे ये वाला है, एक ये है और एक ये है। अब इन पॉइंट्स के नाम क्या क्या है आपको बताएंगे। ये हमारा एक्सटर्नल नोज, ये हमारा है ऊपर वाला एक्सटर्नल ईयर। पहले मैंने आपको बताया हुआ है एक्सटर्नल ईयर में कोई परेशानी हो, आपने ये लगाना है। इन दोनों के बीच में ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारा हार्ट बीट को कम करने के लिए पॉइंट, रिड्यूसिंग हार्ट बीट। कईयों की पल्स रेट बहुत बढ़ जाती है, कई बार 72 होनी चाहिए मगर बढ़ जाती है, तो आप इसको लगाएंगे तो उससे आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ये हो गया था हमारा एक्सटर्नल नोज। ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये है अपेक्स ऑफ ट्रैगस। जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि सिगरेट छुड़ाने के लिए या और भी कोई नशे की आदतें छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ये वाला अपेक्स ऑफ ट्रैगस। इसके बिल्कुल नीचे ये वाला जो पॉइंट है, ये है एडनल ग्लैंड। ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सभी सात ग्लैंड्स के बारे में, वो उसके अंदर आ जाएगा। ये था एक्सटर्नल नोज, ये हो गया हमारा अपेक्स ऑफ ट्रैगस सिगरेट छुड़ाने के लिए। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये है थर्स्ट पॉइंट। अगर आपको प्यास कम लगती है या ज़्यादा लगती है, तो आपने इस पॉइंट को ट्रीट करना है। कम लगती है तो ये लगाएंगे, ज़्यादा लगती है ये भी लगाएंगे, साथ में शेनमैन भी लगाएंगे। शेनमैन पॉइंट कहाँ है, मैं आपको अभी वैसे ही बता रहा हूँ। वो आपका ट्रायंगुलर फोसा में यहाँ पर आता है। एग्जैक्ट पोजीशन आपको बाद में बता दी जाएगी। तो कम करने के लिए हमेशा शेनमैन पॉइंट ही लगता है। किसी भी चीज़ को हमने कम करना हो तो शेनमैन पॉइंट हमारा लगेगा ही लगेगा। ये हमारा मास्टर पॉइंट है। अब ये तो था हमारा हंगर पॉइंट। इसके जो बिल्कुल नीचे है, ये है, ये हमारा थर्स्ट पॉइंट था। ये नीचे वाला जो है, ये वाला है हंगर पॉइंट। अगर आपको भूख कम लगती है या भूख ज़्यादा लगती है, तब हम इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे, हंगर पॉइंट को। अगर आपका मोटापा है, आपने उसकी भूख कम करनी है, तब भी ये पॉइंट लगेगा। जो बच्चे कम खाते हैं उनको भी अब ये पॉइंट लगाएंगे। अब जिनकी भूख तो कम करनी है, उनके लिए साथ में हंगर पॉइंट प्लस शेनमैन पॉइंट। जैसे मैंने पहले आपको बताया, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना हो, कम करना हो, स्लो करना हो, हमने शेनमैन पॉइंट तो लगाना है। पेन को कम करना हो तब भी ये लगाना है। किसी भी चीज़ को कम करना है तो शेनमैन पॉइंट हमारा लगेगा ही लगेगा। ये थर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका है हंगर पॉइंट, नीचे वाला था एडनल ग्लैंड। अब इसके अंदर दो पॉइंट और हैं। एक तो है बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आके, ये वाला, ये हाइपरटेंशन के लिए ये पॉइंट है। ये थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, इससे थोड़ा नीचे हंगर पॉइंट से थोड़ा नीचे ये वाला है, ये हाइपरटेंशन का पॉइंट है। और इन दोनों के बीच में लाइन के ऊपर ये वाला जो है, ये है, ये तो था एक्सटर्नल नोज, सॉरी एक्सटर्नल नोज हमारा ये था। तो ये जो है अंदर की साइड, ये है इंटरनल नोज। ईयर का हमने देख लिया, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। इंटरनल ईयर हमारा कहाँ था? इंटरनल ईयर हमारा था यहाँ पर, ईयर लोब में। ये इंटरनल ईयर की
अगर कोई प्रॉब्लम हो तब हमने ये लगाना है, एक्सटर्नल ईयर में कोई दिक्कत हो, बाहर के कान में, बाहर के कहीं भी दिक्कत हो कुछ, तो हमने ये लगाना है। ऐसे ही हमारा जो एक्सटर्नल नोज है, बाहर में अगर सूजा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, ये लगाएंगे। अगर अंदर की साइड प्रॉब्लम है नाक के अंदर, तो हमने ये वाला पॉइंट लगाना है जो कि हंगर पॉइंट के बिल्कुल साथ में है, हंगर पॉइंट और एडेंडल ग्लैंड के सेंटर में है। तो ये तो हो गया आपका ट्रैगर्स। अब इसके साथ में हम एक पॉइंट को ले लेते हैं जो कि है इंटर ट्रैगर्स नोज है, जो उसके अंदर केवल तीन पॉइंट ही आते हैं। जैसे पहले बताया था, ये जो कान यहाँ से मुड़ा हुआ है, इसके नीचे हम छोटी सी एक लाइन खींचेंगे और इसको हम ऐसे घुमा देंगे। तो ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये तो ओवर ही था जैसे हमने पहले पढ़ा एंटी ट्रैगर्स में। ये जो दो पॉइंट हैं, ये हैं हमारे आइज़ के, विजन के। इधर वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये राइट ईयर है, ये वाला है विजन टू, हमारी लेफ्ट ईयर। ये वाला है विजन वन, राइट ईयर। इधर वाला राइट आइज़ है, ये वाला हमारा है लेफ्ट आइज। ये लेफ्ट आई, ये राइट आई। इसमें ध्यान रखना है हमने, अगर हम दूसरे कान पे देखेंगे तो ये पॉइंट उल्टे हो जाएंगे। इधर जो है हमारा आएगा राइट आई आएगी, इधर आएगी लेफ्ट आई, अगर हम लेफ्ट पे देखेंगे। क्योंकि अब ये राइट है तो इसमें ये लेफ्ट आई आ गई और ये वाली राइट आई आ गई। ये आपने ध्यान रखना है। और जो नीचे बिल्कुल सेंटर में ये वाला पॉइंट है, ये हमने है लो बीपी के लिए पॉइंट। किसी का बीपी अगर लो हो तो आपने ये वाला पॉइंट लगाना है, तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब ओवरी और विजन वन के बीच में ये वाला जो पॉइंट है सेंटर में, ये है गोनेडाट्रोपिन का। गोनेडाट्रोपिन क्या है, जिनके लेडीज़ के या जेंट्स के एग्स कम बनते हैं, ये एग्स वहाँ तक नहीं जाते, उनके लिए ये वाला पॉइंट लगाया जाता है। अब कल हम बात करेंगे किसी और पॉइंट्स के बारे में। तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।